केके शर्मा, ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठे आपके ऊपर। अब ये चुनाव तो बैलेट पेपर से हो गया, इसमें भी कांग्रेस की को मुंह की खानी पड़ रही है। बिल्कुल सफाया दिख रहा है उनका, 150 सीटों में से 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पता नहीं जीत पाएंगे अभी कि नहीं जीत पाएंगे। देखिए, मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए, मैं ईवीएम का जो बहाना है, ये तो अपने हार को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस हमेशा से यूज करती रही है। और यही नहीं, वो तो कई बार संवैधानिक संस्थाओं पे भी, चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा देती है कहीं भी। और वास्तविकता उसकी ये है कि आज उसकी कांग्रेस पार्टी की यदि मैं बात करूं, तो उसका नेतृत्व तो इतना अपनी विश्वसनीयता को खो चुका है देश के अंदर में, कि अब हैदराबाद के चुनाव के बाद तो कह सकते हैं कि गली मोहल्ले की भी पार्टी नहीं बच रही। तो मैं अब उस पर तो बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन निश्चित तौर से जो आज परिणाम अभी आपके स्क्रीन में मैं देख भी रहा हूं और सुबह से हम देख रहे हैं, ये निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। एक बात हमें आपको, भाजपा के यदि कार्यशैली को आप देखें, तो हमारी कार्यशैली हमेशा से रही है, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम जो है संघर्ष से निकले हैं। हमारी पूरी पार्टी जनसंघ से लेकर, वो तो दिख रहा है आपका संघर्ष दिख रहा है वहां पे, 4 सीटों से अगर आप 37 सीटों पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो संघर्ष किया होगा तभी यहां तक पहुंचे। मैं आता हूं के शर्मा जी आपके पास आता हूं, और भी मेहमान है, जरा उनके बारे में भी बता दूं अपने दर्शकों को। हमारे साथ यशवंत देशमुख को आपने सुना। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।